अजमेर में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का खुलासा किया है। दो युवतियों को भी पकड़ा है। कालाबाजारी से इंजेक्शन खरीदना उन्होंने कबूला है। दरअसल माता पिता के कोरोना संक्रमित होने पर दो बेटियों को कालाबाजारी से रेमडेसिविर खरीदना पड़ गया। बाद में ये इंजेक्शन काम नहीं आए, खरीदे गए दाम पर ही इंजेक्शन बेचने का प्रयास किया तो पुलिस ने दोनों युवतियों को पकड़ लिया। युवतियों ने बताया कि गुलाबबाड़ी निवासी एमआर पीयूष से रेमडेसिविर महंगे दाम में खरीदे थे। रिपोर्ट पर सिविल लाइन्स थाना पुलिस ने पीयूष के खिलाफ कालाबाजारी का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप क्या है? 4,000 का इंजेक्शन 23,000 में बेच रही है, गरीब मर रही है, खुद की हाई सोसाइटी मेंटेन कर रही है। आपको कैसे मालूम पड़ा कि इंजेक्शन बेच रही है? आई एम अ सोशल वर्कर। ओके, आपने मेरे पास किसी गरीब का कॉन्टेक्ट आया था कि भैया हमको इंजेक्शन चाहिए, लेकिन वो 23,000 में बेच रही है। अच्छा, वो कुछ नहीं कर पाया इसलिए मैंने मेरे स्तर पर इनको पकड़ा लाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इन्होंने इंजेक्शन देने के लिए बुलाया था? बिल्कुल, इंजेक्शन देना बुलाया था। 23,000 मांग रही थी, 4 इंजेक्शन एट प्रेजेंट इनके पास है, टोटल 10 इंजेक्शन है। ठीक है, कोविड-19 बीमारी में रेमडेसिविर की मांग बहुत ज़्यादा चल रही है। इसी मांग के चलते आज कोई सूचना, गुप्त सूचना हुई थी जिस पर सिविल लाइन्स इलाके में ये जो आप बता रहे हैं वो जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें सिविल लाइन पुलिस थाना द्वारा प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। हमारे कोतवाली थाना से इमदाद चाही गई थी, उस इमदाद के अनुसार हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। शिकायत क्या थी और कार्रवाई में पुलिस को क्या क्या तथ्य सामने आए? रेमडेसिविर से की कालाबाजारी से संबंधित शिकायत थी जिस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है।